हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, बिटकॉइन जो है आज थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है, जो जरूरत भी है, ओके। लेकिन ये करेक्शन जो है ये कहाँ तक जाने वाली है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके पास आखिरी मौका है बिटकॉइन को थोड़ा सस्ते में खरीदने का, कि उसके बाद वो अपने ऑल टाइम हाई 100K 130K पे जाने वाला है। तो आज क्यों वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है और कहाँ पे हमें बाय करना है वो बात करेंगे, कार्डानो के बारे में बात करेंगे, फेच एआई, सेल्सियस, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। भैया ढेर सारी चीजें हैं आज के वीडियो में डिस्कस करने के लिए, तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप आज देखेंगे तो 3.5% मार्केट जो है वो नीचे है, ओके। 2.15 ट्रिलियन डॉलर से हम लोग जो है वो वापस 3.5 डॉलर पे, 2.7 ट्रिलियन डॉलर पे आ गए हैं, ओके। और अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो मैं कल ही आपको बोल रहा था कि ये जो चार्ट है, मतलब ये हमारे सारे टारगेट्स जो है वो छू चुका है, तो यहाँ पे एक करेक्शन चाहिए ही था, ओके। अब ये करेक्शन कहाँ तक आएगा वो मैटर करता है, और वो भी क्रिस्टल क्लियर है। आप देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे लिए रेजिस्टेंस था, हमने उसको ब्रेक किया, एक बार नीचे आए, बट अभी एक डबल बॉटम यहाँ बनता है, ओके। तो ये तो है क्रिप्टो टोटल मार्केट, तो तुम एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाने आने ही वाले हो, जिसका मतलब है और 15-20% का जो है वो मार्केट क्रैश करेगा, 16% का। और ये 16% का जो क्रैश है भैया, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो मैं क्या करना है, ये टोटल आपका चार्ट है, ओके, इसे लो, ये येलो लाइन बना के रखो और ये ऊपर की येलो लाइन बना के रखो। अगर प्राइस ऊपर जाता है, जो मुझे अभी डाउटफुल लगता है क्योंकि इतना ज्यादा रैली हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऊपर जाना इज डिफिकल्ट, तो ये वाला पैटर्न मैं इनवैलिडेट बोलूंगा कि होगा। तो ये जो पैटर्न है दूसरा, ये येलो लाइन पे जैसे ही आता है तुम्हें यहां बाय करना है, ये स्पॉट के ऊपर, ओके। तो अगर तुम वो स्पॉट पे बाय करते हो, क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन है, मतलब यहाँ इनफैक्ट मैं कहूंगा थोड़ा ऊपर ही रखो 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, इसे मैं तुम्हें बिटकॉइन के चार्ट के फॉर्म में समझाता हूँ तो और क्रिस्टल क्लियर होगा, ओके। तो ये हमारा जो है वो बिटकॉइन का चार्ट भी वैसा ही है, ओके। अब इसमें हमारा रेजिस्टेंस जो था वो ये लाइन था, बट हम लोगों ने ऑलरेडी इसे ब्रेक किया है, और अब जो ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था 44,000 डॉलर्स का। ये राइजिंग वेज है जो डेफिनेटली नीचे की तरफ ही ब्रेक करने वाली है, 0.618 का रेजिस्टेंस है। हम लोग अभी भी एक बार ऊपर जा सकते हैं, 51,000 को टेस्ट करेंगे, बट उसके बाद वी आर कमिंग बैक ऑन 43,000 डॉलर्स, ओके। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ओके। इसके बाद सीधा तुम 60,000, 66,000, 100,000, 130,000 तुम देखने वाले हो, ओके। सो मेक श्योर ये येलो लाइन बना के रखो यार, ये प्राइस के ऊपर जितने अलर्ट्स लगा सकते हो, जितने एप्लीकेशंस पे लगा सकते हो लगा दो, बाइंग ऑर्डर लगाना है लगा दो, बट मेक श्योर ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, ओके। और अब अगर हम देखते हैं इसका क्रैश होने का एक दूसरे वजह क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी वजह है बेरिश डाइवर्जेंस, ओके। तो अगर मैं इसे आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं, ओके, और हम जो है ये सब ड्राइंग्स को हाइड करते हैं, तो आप ये देखिए प्राइस जो है वो कैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और यही सेम स्पॉट पे अगर आप RSI को देखेंगे तो वो लोअर हाइज बना रहा है, बट ये हायर हाई। तो ये जो डाइवर्जेंस है ये इसे एक बार नीचे लेके आएगी ही, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एकदम बुलिश नहीं। कल भी मैंने, जैसे आपको याद होगा तो मैंने आपको एडा में भी बोला था कि अगर आपको प्रॉफिट्स लेने हैं, मैंने नहीं लिए और मैं लेने भी नहीं वाला हूं, लेकिन मैंने आपको बोला था अगर आपको प्रॉफिट्स लेने हैं तो वो परफेक्ट टारगेट था। और अगर हम वो चार्ट देखते भी है आज भी, ओके, आई थिंक वो क्रैकन पे था बनाया हमने, या कहाँ बनाया था, बिनेंस के ऊपर, ओके, ये
यूएसडी शायद कॉइन बेस के ऊपर, ठीक है, कहीं तो चार्ट बनाया था, वो हम कल के वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट $3 का, हम लोगों ने उसे टच किया। वहां मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम्हें प्रॉफिट्स लेने हैं तो ले सकते हो, और देखो अच्छा खासा पुल भी हुआ वो नीचे 2.6 तक। बट अभी भी कार्डानो जो है वो मेरे हिसाब से उसे और करेक्ट होना पड़ेगा। $2.33 जो है वो एक परफेक्ट बाइंग जोन है। मैंने प्रॉफिट्स नहीं लिए हैं, मैं बायबैक तो करने का सवाल नहीं पैदा होता, बट मैं और मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूं, ओके? और कार्डानो के साथ दूसरा जो टोकन है वो है XRP। मैं तुम्हें काफी टाइम से बोल रहा हूँ ये टोकन बहुत अभी तक मूव नहीं दिखाया है उसने, और ये $1 के आसपास, अगर तो ये $1 पे मिल गया तो परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं मेरे बाइस जो है वो स्प्रेड आउट करूंगा, ओके? कि जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ बिटकॉइन क्रैश करेगा तो ये भी जो है वो वापस नीचे आएगा ही, तो मेरा बाइंग जोन जो रहेगा वो $1 पे रहेगा। ये उससे नीचे भी जा सकता है, विक ही मारेगा लेकिन फटक से ऊपर निकल जाएगा। सो मेक श्योर अगर तुम्हें भी लगता है कि इस कॉइन का अभी फ्यूचर में सॉलिड बूम आने वाला है जैसा मुझे लगता है, तो मेक श्योर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो उसे, ओके? बाकी अगर मार्केट देखते हैं तो यार फुल रेड ही है। बिटकॉइन 2% नीचे है, एवलांच तो भैया ये कुछ कॉइन्स है जो अभी भी देखिए सॉलिड ग्रीन है। लूना काफी देर तक स्टैग्नेंट था, अभी फिर से उसने एक अच्छा खासा मूव दिखाया है। सबसे ज्यादा पिटे जो है टोकन वही जो सबसे ज्यादा उछले थे अभी थोड़े दिन में, स्विसबॉक कल बहुत ऊपर था तो आज थोड़ा करेक्ट हुआ है, टेलकॉइन, तो ये सब टोकन जो है ये करेक्ट ही हुए हैं, ओके? कोई भी अपने बाइंग से या फिर अपना अगर आप देखेंगे 30 दिन में ये सब टोकन जो है वो अच्छे खासे ऊपर गए हैं। फैंटम 157% ऊपर गया यार, हीलियम 99%, ओके? तो अब वही देखिए टोकन्स जो है वो सबके सब टोकन्स ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो अभी भी मूव नहीं किए हैं, कंपाउंड उनमें से एक टोकन है, और ये जब टोकन शुरू करेगा तो बहुत सॉलिड मूव यहां से दिखाने वाला है, ओके? कंपाउंड एक अच्छा टोकन है, थीटा एक अच्छा टोकन है, मतलब अभी देखो इनमें वो रैली आई नहीं है, और अब यही है वो नेक्स्ट टोकन। जैसे बिटकॉइन मुड़ा ये टोकन्स भी मुड़ने वाले हैं, और ये सॉलिड स्पीड से मुड़ने वाले हैं, ओके? ओके, तो अब जो है हम लोग न्यूज देख लेते हैं एक बार। आप देखिए 65% ऑफ जो क्रिप्टो हेज फंड है भैया सब बोल रहे हैं कि बिटकॉइन 50 से 100 के बीच में होगा, और मैं आपको बोलता हूँ वो 130 के पे होगा, ओके? कार्डानो का जो सोशल एंगेजमेंट है भैया, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, वो बिटकॉइन से भी ज्यादा हो गया है। तो कार्डानो $3, $10, शायद 15, बहुत आराम से, तो ये बिल्कुल टाइम नहीं है प्रॉफिट लेने का और यहाँ डरने का, ओके? माइक्रो स्ट्रेटजी, ये हमारे हीरो सेलर साहब, इन्होंने और बिटकॉइन बाय किया है, ऑलमोस्ट 4000 बिटकॉइन। ये आदमी आने वाले 10 साल में शायद सबसे अमीर दुनिया का आदमी होगा, और इसके आसपास कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं, ओके? सो मेक श्योर इन्हीं का जो रास्ता है वो ले लो, थोड़ा थोड़ा करके डॉलर कॉस्ट एवरेज करते जाओ और बाय करते जाओ। देखो इनको ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार मैं कहाँ बाय कर रहा हूँ, बिटकॉइन 29,000 पे गया था तो वहां क्यों नहीं किया, इन्होंने 45,000 पे बाय किया। क्यों? क्योंकि उनका फंडा सिंपल है, पैसा आया डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, कहीं पे भी करो, वो आज से 10 साल 20 साल बाद का सोच रहे हैं। ये होते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, और तुम्हें भी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही करनी है, ओके? उसके बाद ये फेच AI के बारे में बड़ी न्यूज है, अभी उनका भी NFT प्लेटफॉर्म आ गया है, NFT ऑलरेडी बूमिंग है यार, तो ये भी एक अच्छा टोकन है जो तुम बाय कर सकते हो। अब कहाँ बाय करोगे वो हम जो है यहाँ देख लेते हैं, FETUSDT Binance के ऊपर ही देखते हैं। तो आप देखिए हमारा ट्रेड ऑलरेडी ओपन है भैया, ये तो शानदार चल रहा है, तो अभी के लिए मैं इसे बंद करता हूँ। अगर आपको ये टोकन बाय करना है तो कहाँ करना है वो हम देख लेते हैं। अगर मैं मेरे ऑल टाइम हाई से ये फिब लोअर पॉइंट तक लेता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट जो है वो 0.618 के पास हूँ, देखिए जहां से बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ है। सो इसीलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे अभी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी अगर ये डिप करता है तो कहाँ बाय करना है, वो ये लो से अगर ये हाई लेते हैं तो तुम 0.33 वहां तक शायद ना आए, तो थोड़ा ऊपर 0.37 या 0.40 सेंट्स पे तुम जो है वो इसे फेच AI को बाय कर सकते हो,
तो ये रहेगा हमारा बाइंग जोन, जो ऑलरेडी ट्रेड में है वो बने रहो, जो नहीं है वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और ये टारगेट जो रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। अभी अगर मैंने बाय किया यहाँ 0.3040 पे ये, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एकदम बाजू में रहेगा, बिकॉज हमें ज्यादा लॉस नहीं लेना है, तो 8% का लॉस। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1.618, और 1.618 कहाँ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, सेटिंग्स और 1.618। ओके, तो तुम्हारा जो टारगेट है, अब ये जो है ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। ओके, तो तुम्हें लेवरेज करने की जरूरत नहीं है, तुम जो है अपने नॉर्मल पोर्टफोलियो में इसे बाय करो और होल्ड करके रखो, और 250% प्रॉफिट के बाद भैया बेच दो। ओके, तुम्हारा टारगेट है $1.31, तो बहुत सॉलिड प्रॉफिट देने वाला है। दूसरा टोकन जो है वो है सेल्सियस। अभी आप देखिए, ये पहला सीफाई सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जिसने $20 बिलियन का AUM जो है वो क्रॉस कर दिया है भैया। AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ओके, तो इनके पास $20 बिलियन के एसेट्स है, तो ये बहुत ही शानदार। ओके, और इनके अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे वो 1900% ग्रो हुए हैं लास्ट एक साल में। $1 बिलियन जून 20 में था, वहां से $20 बिलियन सॉलिड। ये कंपनी का टोकन जो है, अब इस न्यूज के बाद मैं डेफिनेटली बोलूंगा, जो कंपनी इतनी बड़ी है उसका पोर्टफोलियो या उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। बट अगेन, मुझे फोमो इन करना अच्छा नहीं लगता यार, तो मैं अभी भी रुकूंगा। ये देखिए, ये जो है ये सपोर्ट है बहुत शानदार। ओके, तो मैं वेट करूंगा कि अगर ये वापस मुझे इसी सपोर्ट पे मिल जाता है। लोग बोल रहे होंगे ये हेड एंड शोल्डर्स जैसा भी दिख रहा है, बट नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अगर ये आपको यहाँ मिलता है 4.4 के आसपास, एक्चुअली $5 से बाय करना शुरू करेंगे, और अगर ये आपको 4.4 पे मिले तो वहीं आपको बाय करना है, और इसमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म होल्ड है। ओके, और ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा वो आप चाहें तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके एक बार चेक कर सकते हैं। एक्चुअली हमने यहीं पे सेल्सियस देखा था यहाँ, और बहुत अभी अंडर वैल्यूड है। मतलब आप देखिए, ये $1.3 बिलियन इनका मार्केट कैप है, $20 बिलियन के तो उनके पास एसेट्स ही है यार। ओके, तो अगर आपको ये बाय करना है तो आप कहाँ से बाय करेंगे, वो यहाँ FTX या यूनिस्वैप गेट आए हो तो काफी सारे एक्सचेंजेस है जहां पे ये अवेलेबल है। अभी भी ये बड़े एक्सचेंजेस पे नहीं है, कॉइनबेस पे आते ही कम से कम नहीं तो ये $5 का $15 लेके चलो। ओके, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।